जन यौगिक होते हैं, जैसे आपके पास हो गए सी एल एफ हुआ, बी आर सी एल हो गया, ये सभी अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं। क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो पहला आप लिख सकते हैं कि ये इन यौगिकों में प्रतिचुम्बकीय गुण पाया जाता है, प्रतिचुम्बकीय गुण पाया जाता है। प्रतिचुम्बकीय का मतलब यह होता है कि अगर चुंबक के पास लेके जाएंगे ना इसको, तो वह आकर्षित नहीं होता है। दूसरा, यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यह ठोस कमक द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीसरा लिख लेना, ये हाइड्रोजन तत्व से अधिक क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन माने ये वर्ग 17 वाले, ये हाइड्रोजन तत्व से अधिक क्रियाशील होते हैं। चौथा लिख लेना, इनका गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोजन से अधिक होता, बात मत करो, तुम लोग का दुश्मन वही है बात, तुम लोग का इसका गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोजन तत्व से अधिक होता है, हाइड्रोजन तत्व से अधिक होता है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। बस पांच का गुण है इसका, पांच याद हो गया आपको। अब आ जाइए तो नहीं अंतरा हैलोजन।